नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर। आज हम बात करेंगे खाने की चीज़ों में वज़न खाली प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से ही आता है या और कहीं से भी आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ देखते हो, जैसे मान लो बादाम, आप बादाम के न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ोगे, मान लो उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, तो आप देखोगे उसमें 100 ग्राम बादाम में करीब 18 ग्राम प्रोटीन है, करीब 59 ग्राम फैट है, 59 ग्राम, और 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कुल मिलाओगे तो ये 59, 18 और 3 मिला करके आपको करीब 80 ग्राम हो गया। तो 20 ग्राम कहाँ गया? वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में तो 80 ग्राम ही होगा, बाकी 20 ग्राम क्या कहाँ गया? तो ऐसा है कि कोई भी खाने की चीज़ का जो बाहर है वो सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से नहीं आता। सबसे पहले तो ये जान लो, मुझे बहुत कन्फ्यूज़ होता था मैं इस चीज़ से कि अरे यार, 100 ग्राम की चीज़ थी, 30 ग्राम में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हो गए, बाकी चीज़ बाकी वज़न कहाँ गया? तो ऐसा है कि वजन सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से नहीं आता, और भी कहीं से आता है। अब सवाल है कि वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। देखो, उदाहरण से समझाऊंगा। 100 ग्राम पालक का उदाहरण लेंगे हम। 100 ग्राम पालक में होता है प्रोटीन 2.14, कार्बोहाइड्रेट 2.05, ये सब ग्राम में। फैट होता है 0.64, 0.64 फैट होता है। फाइबर जो होता है वो होता है 2.38। जो मॉइस्चर होता है उसमें, जो पानी से जो नमी होती है उसके अंदर, जो पालक के अंदर, उसका वजन होता है 90.31 ग्राम, जिसे वाटर कंटेंट कह देते हैं, पानी से जो बाहर आ रहा है वो कह देते हैं। ऐश क्या होती है मैं बताता हूँ। ऐश जो है इसका वजन होता है 2.47। ऐश होती है कि जैसे आपने उस चीज़ को पूरा जला दिया, पूरा जला दिया, तो उसके बाद में जो पीछे बचेगा उसे ऐश कहते हैं। पूरा जलाने का क्या मतलब है? देखो, उसका जो चीज़ आप जला रहे हो उसका पानी हट जाए और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी हट जाए, तो सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल बचता है उसके अंदर। आपको इतना सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आम आदमी के लिए इन सब चीज़ों का कोई खास काम नहीं कहने, मतलब उस चीज़ को आपने पूरा जला दिया जितना जला सकते हो, तो फिर जो पीछे बचता है उसका भी कुछ बाहर होता है, वो जो राख सी चीज़ बचती है उसका भी कुछ बाहर होता है। वो अगर आप पालक, 100 ग्राम पालक पूरा जला दोगे तो आएगा 2.47, ठीक है? ये पूरा अगर आप जोड़ोगे तो आपका 100 ग्राम आना चाहिए, पर यहाँ पे आ रहा है 99.99, ठीक है? क्योंकि इन्हें जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, वाटर, ऐश, ये निकालने के जो तरीके हैं इनमें हल्का सा है ना एरर रहता है, हल्का सा रहता है, जो तरीके होते हैं उनमें हल्का सा एरर भी होता है। मतलब हो सकता है 2.74 निकाला तो 2.47 निकाला तो 2.48 हो, 4.6 हो, थोड़ा सा एरर रहता है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। पर ये कुल मिलाकर ये इन सब चीज़ों का बात होता है, जैसे मिलाओगे तो 100 आएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, इतना तो सुना होगा। पानी और ऐश इनसे ही बाहर आता है। पानी का भी तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि हाँ, पालक में नमी होती है, कच्चा चबाओगे थोड़ा सा महसूस होगा पानी है। ऐश से भी, ऐश का तुम ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाओगे, तो ऐश भी होती है, ठीक है? अब तुम कहोगे ये नंबर कहाँ से निकाले? इंटरनेट पे हमें तो इतने आसानी से सारे नंबर नहीं मिलते, इतने सटीक नंबर कहाँ से निकाल लिए? मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल IFCT, इसके बारे में। तो आप वहाँ से मैंने नंबर, ये सारे नंबर निकाले हैं, आप जाकर के मेरा वो वीडियो देख सकते हैं उन नंबर के लिए। इस वीडियो में ये बताना चाहता था कि अगर कंफ्यूज होना कि अरे यार, 100 ग्राम में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो सिर्फ 55 ग्राम हुआ, बाकी 45 ग्राम कहाँ है, तो वो पानी का, फाइबर का और ऐश का बाहर है। राख जो कि राख बनेगी अगर उसे बोला जा रहा, पूरा जला दोगे तो उसका बाहर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।